नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को हम लोग नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है उसको हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम नितिन सिंघानिया की ही बुक से क्यों डिस्कस करेंगे या फिर आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को डिस्कस करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करने का रीजन है क्योंकि ये बुक जो है वो हाईली रिकमेंडेड बुक है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे फिर वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती हो, एसएससी कंडक्ट करवाती हो या कोई भी स्टेट पीएससी कंडक्ट करवाती हो। दूसरी बात ये है कि आर्ट एंड कल्चर का जो वेटेज इंक्रीज होता जा रहा है एग्जाम्स में, काफी क्वेश्चन आते हैं और इसका कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर स्ट्रेस बना हुआ रहता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी बात, अब आप बोल रहे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ये बुक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जो लोग ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये फायदा होगा कि वो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं सारे टॉपिक्स का। एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज कि आर्ट एंड कल्चर की जो ये सीरीज रहेगी, जिनके पास ये बुक भी है ऑलरेडी, तो आपकी प्रिपरेशन को होलिस्टिक बनाने के लिए इसमें हम लोगों ने बहुत सारे मैप्स और क्या कहते हैं ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है जिसके माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो लेक्चर सीरीज आप लोग देख रहे हैं ये हर गवर्नमेंट एग्जाम के हर जो स्टेजेस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्रिएट की जा रही है, फिर चाहे आप यूपीएससी के लिए करें प्रिपेरेशन या फिर एसएससी के लिए या फिर किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए, स्टेट पीएससी के लिए। और इसमें से आपके प्री और मेंस के हिसाब से जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे फैक्ट्सों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताता जाऊंगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताता जाऊंगा, तो इसीलिए आप इस लेक्चर सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में। दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता एंड यू कैन गो थ्रू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि आपको वैसे तो इसके सारे लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन इफ इन केस अगर हमारी कोई भी अगर इसका लेक्चर मिस होता है या नहीं मिलता है या किसी कारण से हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है तो वो सारे लेक्चर्स आप www.straightzero.in पे पा सकते हैं। उसके अलावा भी इस वेबसाइट पे विजिट करने के और भी फायदे हैं, जैसे कि आप पुराने साल के पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो और कुछ प्रैक्टिस सीरीज मैंने क्रिएट की है एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरैक्टिव रहेगा, सॉल्यूशन के साथ रहेंगी वो सीरीज, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अनदर एडवांटेजेस कि जो इसमें मैंने पीडीएफ इस्तेमाल किया, आर्ट एंड कल्चर की बुक आपके हर किसी के पास होगी लेकिन मैंने जो ये पीडीएफ है इसमें काफी क्या कहते हैं इमेजेस और क्या कहते हैं मैप्स का इस्तेमाल किया है, तो उसी के साथ आपको जो अपडेटेड वर्जन है पीडीएफ का वो भी वहां पे मिल सकता है। उसके अलावा काफी और कोर्सेज भी मैंने क्रिएट किए हैं, जैसे कि जो एनवायरमेंट वाला है जिसके लिए रिकमेंड किया जाता है शंकर आईएएस वाली बुक, वो मैंने वहां पे अपलोड की हुई है उसकी पूरी लेक्चर सीरीज। उसके अलावा लक्ष्मीकांत के ऊपर पूरी मैंने लक्ष्मी सीरीज अपलोड की हुई है। अगर हम बात करें हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम को रिकमेंड किया जाता है वो भी मैंने वहां पे अपलोड किया हुआ है, तो इन सारी सीरीज को भी आप वहां पे देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट या क्वेरी आए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8447022777, आप इसके थ्रू इसके माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी रिजोल्व करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए हैविंग सेड दैट आज का हम ये लेक्चर शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ये। तो दोस्तों अभी जैसा आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि इससे पहले, मतलब ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये हमारा आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी के ऊपर थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चरों में हमने बात की थी आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद हमने बात की मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में, देन उसके बाद बात की थी हम लोगों ने पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गुप्ता एज यानी गुप्ता जो टाइम पीरियड था उसके आर्किटेक्चर के बारे में, फाइन, जो कि आपका 320 से लेकर 550 एडी तक फैला हुआ टाइम पीरियड है उसके बारे में बात करेंगे। मॉडर्न पीरियड में अगर हम बात करें तो इस टाइम में अगर हमने देखा था तो सबसे ज्यादा पिलर्स और स्तूपा का जो डेवलपमेंट हुआ था और उसी का क्लाइमेक्स देखने को मिलता है कि पिलर और स्तूपास का कंस्ट्रक्शन का क्लाइमेक्स देखने को मिला। पोस्ट मॉडर्न पीरियड की टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जो स्कल्पचर होता है स्कल्पचर का हमें क्लाइमेक्स देखने को मिला। आज इसी के साथ हम शुरू करेंगे अपने गुप्ता एज के बारे में।
गुप्ता एज जो कि 4th century AD से स्टार्ट होता है, यानी 320 अगर एग्जैक्टली बात किया जाए टाइम का, और जिसको गोल्डन पीरियड माना जाता है इंडियन आर्किटेक्चर का. आप लोगों में से आप लोगों को भी पता होगा, और जिनको नहीं पता प्लीज सर्च करें कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है. जिनको पता है प्लीज आप लोग अपने जवाब देना मुझे कि वाई गुप्ता एज इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर या फिर गोल्डन एज ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो गुप्ता रूलर्स थे, वैसे तो वो ब्राह्मणिज्म यानी वो हिंदू रिलीजन के फॉलोअर थे, लेकिन क्या कहते हैं वो जो बुद्धिज्म है या फिर जैनिज्म है उसके लिए भी काफी टॉलरेंट थे. तो अगर गुप्ता पीरियड से पहले की बात करें तो ज्यादातर जितने भी रूलर्स वगैरह है वो बुद्धिस्ट ही थे, और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वगैरह को उन्होंने काफी फोरफ्रंट किया था. लेकिन गुप्ता फेज की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें भी जो स्टार्टिंग के रूलर्स हैं गुप्ता में, स्टार्टिंग रूलर्स जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य है ना, बिंबिसारा वगैरह जो ये लोग हैं ना, ये सारे बुद्धिस्ट थे और ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वगैरह को प्रमोट कर रहे थे. लेकिन जो लेटर गुप्ता फेज के जो रूलर्स आते हैं वो हिंदू रूलर्स हैं और वो टेम्पल आर्किटेक्चर को प्रमोट करेंगे. तो इसीलिए अगर हम बात करें गुप्ता एज में दो क्लाइमेक्स देखने को मिलेंगे हमें. एक तो हमें क्लाइमेक्स मिलता है आर्किटेक्चर की फील्ड में कि हमें टेम्पल आर्किटेक्चर जो है केव आर्किटेक्चर या टेम्पल आर्किटेक्चर उसका क्लाइमेक्स देखने को मिलता है, और स्कल्पचर की फील्ड में एक सारनाथ स्कूल और ऐड हो जाता है. इससे पहले अगर हम बात करें तो स्कल्पचर के फील्ड में तीन स्कूल्स के बारे में हमने बात की थी, एक था गांधार, दूसरा था मथुरा और तीसरा था अमरावती. राइट, चौथा स्कूल और ऐड हो जाएगा स्कल्पचर यानी मूर्तिकारी के फील्ड में, दैट इज सारनाथ स्कूल, वो जो कि गुप्ता पीरियड में ऐड हुआ था. तो आगे चलते हैं, तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि गुप्ता एज में जो बुद्धिस्ट और जैन आर्ट थी वो भी अपने पीक पे एकदम पहुंच जाती है. गुप्ता रूलर्स जो हैं लेटर फेज में, इन दी लेटर फेज पर ब्राह्मणिकल रूलर्स एग्जाम्पलरी टॉलरेंस, लेकिन भले ही वो ब्राह्मणिकल थे हिंदू रूलर थे लेकिन वो टॉलरेंट थे बाकी रिलीजन्स के लिए भी. इनके टाइम पीरियड पे तीन जो डाइटीज हैं यानी देवता भगवान हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुए, जैसे विष्णु जो है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, शिवा जो है सदर्न पार्ट में, और शक्ति जो है ईस्टर्न पार्ट में, एज वेल एज मालाबार कोस्ट यानी जो केरला का साइड है. तो इस चीज को याद रखना, विष्णु और शिवा और शक्ति. ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था. अब शुरू करते हैं आर्किटेक्चर के साथ. तो आर्किटेक्चर में अभी तक क्या चला आ रहा था, केव्स. हमने देखा कि मौर्यन पीरियड में केव्स बनी तो वो ज्यादातर कैसी थी, वो ज्यादातर बिहार्स थे. ठीक है ना, जहां पे मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, और ज्यादातर जो बिहार्स थी वो आजीविका सेक्ट्स को डेडिकेट की गई थी. पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिला कि क्या कहते हैं केव में एक और चीज ऐड हो जाती है, दैट इज चैत्यास. चैत्यास क्या थे, प्रेयर हॉल्स थे. ठीक है, तो ये ऐड हो गए. अब इनके टाइम पे जो गुप्ता पीरियड में क्या होता है केव्स में वो देखते हैं. गुप्ता पीरियड में जो केव्स का कंस्ट्रक्शन है या डेवलपमेंट है वो कॉन्स्टेंट था, मतलब कोई भी आर्किटेक्चरली उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. लेकिन बस एक चीज थी कि यूज ऑफ मुराल पेंटिंग्स ऑन दी वॉल्स ऑफ केव्स बिकम एन एडेड फीचर. यानी पहले भी केव्स हुआ करती थी, जैसे हमने पढ़ा था अशोका के टाइम पे जो केव्स थी वो उनके जो एक्सटीरियर थे वो बहुत अच्छे बने हुआ करते थे और बहुत ज्यादा पॉलिश्ड हुई थी. ठीक है ना, लेकिन इनके टाइम पे क्या हो गया, अब इनके टाइम में उन केव्स में मुराल पेंटिंग्स वगैरह भी बनाने लगे. मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं, लार्ज साइज की पेंटिंग्स होती हैं जो कि वॉल्स पे बनाई जाती हैं किसी भी बिल्डिंग के. इसके कुछ फाइनेस्ट एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि अजंता की केव और एलोरा की केव. ऐसे देखिए, आपको हर पीरियड का पता होना चाहिए. जैसे हमने अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जो मॉडर्न पीरियड है वहां पे स्तूपा का जो कंस्ट्रक्शन है उसका क्लाइमेक्स देखने को मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें स्तूपा का कंस्ट्रक्शन नहीं दिखता है, उसमें कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं. जैसे हमने चेंज की क्या बात की थी कि जो तोराना है उन तोराना यानी जो गेट वेज है वहां पे अब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से बहुत इंट्रीकेटली वहां पे डिजाइन वगैरह बनाने लगे थे, है ना, बहुत अच्छे से उनको डेकोरेट करने लगे थे. प्लस जो स्तूपा का अंडा होता है, अंडा यानी जो हेमिस्फेरिकल डोम होता है उसको और लार्ज साइज का कर दिया था. प्लस जो वुडन या जो टिम्बर वगैरह का वो लोग इस्तेमाल करते थे उसको रिप्लेस करके अब ज्यादा वो स्टोन्स वगैरह का इस्तेमाल करने लगे थे. तो इस तरीके के जो भी हर पीरियड में चेंज आ रहे हैं उस चेंज को दिमाग में रखते जाइए. जैसे अब अगर आपसे ये पूछेंगे भैया केव्स में क्या चेंज हुआ गुप्ता पीरियड के टाइम पे, तो भैया वैसे तो आर्किटेक्चरली कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा डेकोरेटिवली अगर देखें, एस्थेटिकली देखें, तो उनको थोड़ा सा सुंदर बना दिया गया. ठीक है, सुंदर बनाने के लिए क्या हुआ, वहां पे पेंटिंग्स वगैरह बनाने लगे. ठीक है, आगे चलते हैं. अब अगर जैसे मैंने बात की अजंता और एलोरा के, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अजंता की जो केव्स हैं
पहले ब्रीफ में सुन लो भैया, ये कहाँ पे है? सबसे पहली बात तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये टोटल ये 29 केव्स हैं, जिसमें से 25 जो केव हैं वो बिहार हैं, मतलब वहाँ पे लोग बाग रहते थे, और 4 जो केव हैं वो चैत्यास हैं, चैत्यास यानी प्रेयर हॉल। तो अब इससे याद रखो कि मंदिर कम होते लोग बागों के घर ज़्यादा होते, तो 25 बिहार 4 चैत्या, बिहार में क्योंकि लोग रहते थे और चैत्या में प्रे करने जाते थे, ठीक है। और इनका जो अजंता केव का जो टाइम पीरियड है डेवलपमेंट का, वो है 200 BC से लेकर 650 AD तक। ये रॉक कट केव्स हैं, सिहादरी रेंज में हैं, कौन सी नदी के तट पर हैं? बाघोरा रिवर पे हैं। अभी और भी फीचर्स मैं बताऊंगा, पहले ये इतने फीचर्स याद कर लो, क्या क्या फीचर्स बताए, कहाँ पे हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र। कितनी केव हैं? 29 केव हैं, जिसमें से 25 आपकी हैं बिहार और 4 हैं चैत्यास। उसके अलावा टाइम पीरियड है 200 BC से लेके 650 AD। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ अजंता केव जो है वो गुप्ता पीरियड में डेवलप हुई है, क्योंकि गुप्ता पीरियड तो कब से शुरू होता है? 320 से लेके 550 तक। तो इसमें यानी और भी रूलर्स के नाम वगैरह आएंगे। अजंता केव जो है वहां पे देखिए बुद्धिस्ट मॉन्क बने हुए हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क अंडर दी अजंता केव्स जो है बर इंस्क्राइब्ड बाय दी बुद्धिस्ट मॉन्क अंडर दी पेट्रोनेज ऑफ बाकाटाका किंग हरिसेना। तो जो बाकाटाका डायनेस्टी थी उसके जो रूलर है हरिसेना, उन्होंने इसको राजसिक सहायता दी थी, किनको? बुद्धिस्ट मॉन्क को, इनको बनाने के लिए। यहाँ पे इनकी केव्स में फ्रेस्को पेंटिंग देखने को मिलती है, फ्रेस्को पेंटिंग्स। फ्रेस्को पेंटिंग का एक स्टाइल होता है पेंटिंग का, उसका कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे बता देता हूँ रफली। इसमें क्या करते हैं, पहले एक कुछ डिज़ाइन वगैरह बना देते हैं, फिर इस पर राइस हस्क का जो पेस्ट होता है वो बिछा देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से इस पर पेंटिंग करते हैं, और फिर कलर बनाते हैं, और उसके बाद बॉर्डर बनाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड योर फ्रेस्को पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये जो फ्रेस्को पेंटिंग्स है अजंता केव में, इनमें बहुत ही अच्छी लेवल पे नेचुरलिज्म देखने को मिलती है। यहाँ पे जो कलर्स का इस्तेमाल हुआ है वो लोकल मतलब फूल पत्तियों से बनाए हुए या मिनरल से बनाए हुए कलर्स हैं। आउटलाइन जो है इन पेंटिंग्स की वो रेड कलर से की गई है, और इनसाइड जो है देन आउटलाइन जो है वो रेड कलर की है, फिर उसमें इनसाइड पेंट किया जाता है। जो सबसे मुख्य बात है कि इन पेंटिंग्स में ब्लू कलर देखने को नहीं मिलता, जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ वो कलर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। केव नंबर 16 जो है इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट स्पेसिमेन ऑफ केव आर्किटेक्चर, केव नंबर 16। अब इन पेंटिंग्स की जो थीम है, मतलब इसमें क्या बनाया है, वो थीम बुद्धिज्म से ली गई है, जिसमें बुद्धा की लाइफ के बारे में या उनकी जातिका स्टोरी, जातिका स्टोरीज क्या होती है, बुद्धा की जो बचपन की स्टोरीज हैं वो होती हैं। जो अब अगर हम बात करें ये किस कैसे कैसे डेवलप हुई है, तो 5 जो केव हैं वो हिनायाना फेस की हैं, और रिमेनिंग 24 जो है महायाना फेस। ये मैं बता देता हूँ, देखिए बुद्धिज्म में डिवाइड होता है, बुद्धिज्म में 3 वो आते हैं, एक होता है हिनायान फेस, अभी बताता हूँ उनमें क्या डिफरेंस होता है, दूसरा होता है महायान, और तीसरा होता है आपका वज्रयान। देखिए महायान जो हिनायान वाला फेस है, इसके जो फॉलोअर होते हैं ये एक तरीके से आप समझ लो सेक्ट हैं बुद्धिज्म के, मतलब ये डिवाइड्स हैं। तो और ये तीसरा सेक्ट हो गया। हिनायान फेस में जो बुद्धा जी होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स की मदद से, किससे? सिंबल की मदद से, जैसे कि व्हील या उनके जो फीट होते हैं उससे, तो इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है बुद्धा को, उनकी डायरेक्ट आइडल या इमेज नहीं बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड हिनायाना फेज। महायान फेज में बुद्धा से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, पहली बात तो बुद्धा की इमेज वगैरह भी आ जाती है, और बुद्धा से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं बोधिसत्वास। बोधिसत्वा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हों को इनलाइटमेंट मिल चुका है, लेकिन स्टिल ये अर्थ पे रहते हैं दूसरों के इनलाइटमेंट के लिए। वज्रयान में क्या होता है, जो बुद्धा होते हैं उनको भाई भगवानों के टाइप दिखाते हैं, कि उनके पास बहुत सारे त्रिशूल और मुकुट और ये सारी चीजें, तो ये वज्रयान वाले फॉलोअर्स होते हैं। सबसे पहला फेस हिनायान वाला ही फेस था, फिर सेकंड फेस आता है महायान वाला फेस, ठीक है, और फिर ये पैरेलल ही रन करते रहते हैं, ठीक है। इसको लेसर व्हीकल बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है हिनायान का, ये लेसर व्हीकल है, और इसको हायर व्हीकल बोलते हैं। इतना सा आपको पता होना चाहिए इन फेसेस के बारे में। अच्छा, तो जो पेंटिंग्स हैं मैंने बताया बुद्धिज्म से रिलेटेड है, अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पे बुद्धिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं। 5 जो केव हैं वो हिनायाना फेस की हैं, और ज्यादा जो हैं वो महायाना फेस की हैं। अब जो रेफरेंस है अजंता केव का, वो हमें चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर जिसका नाम है फाइन और ह्यूनसेंग, उनकी अकाउंट में भी मिलता है। ये आपका अगर देखें ये महाराष्ट्र है, और यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपका क्या कहते हैं अजंता और एलोरा, रेड कलर वाली अजंता है और ये एलोरा केव्स हैं। ये उनकी पेंटिंग मतलब सॉरी ये उसका फोटो है अजंता केव्स का। ये ऐसा फोटो क्यों लिया भी, इसका मैं बताऊंगा, इसका एक मतलब है।
ये फ्रेस्को पेंटिंग्स है जो मैंने आपको बताई थी कि कुछ फ्रेस्को पेंटिंग्स बनी हुई है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में से एक है डाइंग प्रिंसेस। याद रखना डाइंग प्रिंसेस वाली जो फ्रेस्को पेंटिंग है वो कहाँ पे, अजंता में है। कुछ स्कल्पचर यानी कुछ मूर्तियां भी हैं, जैसे केव नंबर 26 में है महापरिनिर्वाण और बुद्धा की एक मूर्ति, केव नंबर 19 में है नागा किंग एंड हिज कॉन्सर्ट इन केव नंबर 19। देखो फ्रेस्को मेथड जो मैं आपको बता रहा था ये तीन लेयर की टेक्निक होती है। सबसे पहले उसका एक तरीके से वो बनाते हैं जिसपे वो बननी है, तो एक क्ले की लेयर बनाते हैं जिसमें क्या होता है काउडंग और राइस हस्क होता है उसको अप्लाई कर देते हैं, फिर लाइम प्लास्टर की कोटिंग लगाते हैं उसके ऊपर, फिर कलर और पिगमेंट्स लगा के बट देन अप्लाइड ऑन दी मॉइस्ट सरफेस और उसके बाद उसको सूखने देते हैं, जैसे डाइंग प्रिंसेस और फ्लाइंग अप्सरा। ये कुछ पेंटिंग्स वहां पे देखी गई हैं। एलोरा की केव्स के बारे में बात करते हैं। ये फोटो आप देख रहे हो एलोरा की केव्स में, मैंने ये फोटो लगा रखा है, यानी यहाँ पे शिव भगवान है, ये बुद्ध है और ये जैन है। तो यानी एलोरा की केव्स, जैसे कि अभी हमने देखा अजंता की केव्स, सारी की सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं, लेकिन एलोरा की केव्स में ये तीनों रिलीजन की केव्स हैं। टोटल इन टोटल 34 केव्स हैं, जिसमें से 17 हिंदू रिलीजन की हैं, 12 जो हैं वो आपकी जैन रिलीजन की हैं, सॉरी बुद्ध रिलीजन की हैं, और 5 जो हैं वो जैन रिलीजन की हैं। ये बात याद रखना, क्लियर हो गया। तो टोटल 34 केव्स हैं, ये अजंता केव्स के 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, यानी इन शॉर्ट ये भी महाराष्ट्र में ही हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में है आपकी एलोरा केव्स। आगे चलते हैं, इनका टाइम पीरियड की बात करें, तो जैसे हमने अजंता केव के टाइम पीरियड की बात करी थी तो वो हमारा 2nd BC से लेके 650 AD तक था, ये वाला 5th से लेके 11th Century AD तक है, ठीक है, यानी कंपेरेटिवली अजंता के कंपेरिजन में ज्यादा नहीं है ये। उसके अलावा ये जो है इसके बारे में बात करें तो इसमें डाइवर्सिटी ऑफ थीम देखने को मिलती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 से 12 केव जो है वो बुद्धिस्ट हैं, 13 से 29 जो है हिंदू केव है, और 30 से 34 जैन दिगंबर सेक्ट। जैन में भी 2 सेक्ट होते हैं, एक होता है दिगंबर सेक्ट और एक होता है श्वेतांबर। श्वेतांबर यानी जो सफेद वाले कपड़े पहनते हैं उनको श्वेतांबर बोलते हैं, और दिगंबर जो बिल्कुल भी कपड़े वगैरह नहीं पहनते। अब अगर इनमें कुछ केव्स की बात करें और उनके स्पेशल फीचर की बात करें, तो जो केव नंबर 10 है वो बुद्धिस्ट चैत्य केव है, जिसको विश्वकर्मा केव या फिर कारपेंटर केव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा केव नंबर जो 14 है, तो विश्वकर्मा केव या कारपेंटर केव कौन सी हो गई, 10वीं नंबर वाली। अगर हम बात करें केव नंबर 14 के बारे में तो वो है रावण की खाई। 15वीं वाली जो केव है उसको बोलते हैं 10 अवतार टेम्पल, और 16वीं वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कैलाश टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसको राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन ने बनाया था। ये एक ही पत्थर यानी मोनोलिथ पत्थर से बनाया गया है, इसमें कोर्टयार्ड भी है। केव नंबर जो 16 है, देयर इज ऑल्सो अ स्कल्पचर ऑफ वॉल ऑफ कैलाश टेम्पल डिपिक्टिंग रावण शेकिंग दी माउंट कैलाश, तो ये एक मास्टरपीस माना जाता है इंडियन स्कल्पचर का। तो 10वीं केव विश्वकर्मा केव, 14वीं केव जो है वो है रावण की खाई, 15वीं 10 अवतार केव है, और जो 16वीं है वो कैलाश टेम्पल है। किसने बनाया था, राष्ट्रकूटा किंग्स ने बनाया था। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जो केव नंबर 29 है वो है धूमर लेना केव, केव नंबर 21 है रामेश्वर टेम्पल केव। उसके अलावा 32 और 33 इंपॉर्टेंट है, 32 वाली जो केव है वो इंद्र सभा है, और 33 वाली जो है वो जगन्नाथ सभा है। इनके आप नाम देख रहे हो तो ये सारे हिंदू भगवानों के ऊपर है, लेकिन हैं ये जैन केव, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 30 से लेके जो 34 तक की केव है वो सारी जैन केव है, ऐसे याद रखो। तो केव नंबर 32 जैन केव है जिसका नाम रखा गया इंद्र सभा, और 33 वो है जगन्नाथ सभा, ठीक है। अब बात करते हैं बाप केव्स के बारे में। तो अभी तक हम 2 केव डिस्कस कर चुके हैं, एक हमने डिस्कस की अजंता, दूसरी हमने की एलोरा। अब बाप केव्स, तो यहां पे देख रहे हो सिर्फ बुद्धा की फोटो बनी हुई है, यानी सारी की सारी बुद्धिस्ट केव हैं। कितनी केव हैं ये, टोटल 9 केव हैं। कहां पे हैं ये, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में की बाघ नदी के पास है 9 बुद्धिस्ट केव हैं। कब बनाई गई थी, 6th Century AD में, और ये मोर और लेस आर्किटेक्चरली अजंता केव से मिलती जुलती है। जूनागढ़ केव्स की बात की जाए, अच्छा वो अजंता और एलोरा केव में एक फीचर नहीं लिखा हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो फीचर ये था कि जो अजंता की केव्स हैं वहाँ पे कोर्टयार्ड देखने को नहीं मिलता है, कोर्टयार्ड देखने को नहीं मिलता। क्यों देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो माउंटेन्स की स्टीप साइड होती है वो उस पर बने हुए हैं। स्टीप साइड होने की वजह से, जैसे अगर मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है, तो ये है स्टीप साइड, वो इस तरफ बने हुए हैं, तो इसीलिए वहां पे कोर्टयार्ड नहीं है। जबकि एलोरा की जो केव्स हैं वो स्लोपिंग साइड बनी हुई है, तो अगर यहाँ पे केव बना दिया तो यहाँ पे एक कोर्टयार्ड भी है। तो एलोरा की केव्स में कोर्टयार्ड है और अजंता की केव्स में कोर्टयार्ड नहीं है, ठीक है।
जूनागढ़ की केव्स की बात करते हैं, अभी इससे पहले बाघ केव बात की, अब हम बात करते हैं जूनागढ़ की केव्स। जूनागढ़ की केव्स अगेन बुद्धा जी बने हुए हैं, तो सिर्फ बुद्धिस्ट केव है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे जूनागढ़? गुजरात में। दे आर नॉट एक्चुअली केव्स बट थ्री डिफरेंट साइट्स कैन बी फाउंड। एक है खपरा कोडिया, एक है बाबा प्यारे और तीसरी है ऊपर कोट। ठीक है, तो यूनिक फीचर क्या है जूनागढ़ की केव्स का कि 30 से 50 फीट हाई का सिटाडेल है जिसको अपर कोट बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ द प्रेयर हॉल। तो अगर ऐसा पूछा जाता है अपर कोट नाम का जो फीचर है वो किस केव्स में मिलता है, वो जूनागढ़ में मिलता है। जूनागढ़ कहां पे है? गुजरात में है, याद रखना जूनागढ़ कहां पे है? गुजरात में है। अब आते हैं आगे अगली केव जो है नासिक केव, जिनको हम लोग पांडव लेनी केव्स भी बोलते हैं। क्या नाम है इनका? पांडव लेनी केव्स। यहां पे अगेन बुद्धा बने हुए हैं, तो सारी की सारी बुद्धिस्ट केव है और इन टोटल कितनी केव्स हैं? ये 24 केव्स हैं। 24 केव्स। पांडव नाम है तो ऐसा मत समझना कि ये जो महाभारत के पांडव थे उनसे कुछ लेना देना है, नहीं, इसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है। पांडव लेनी ये फर्स्ट सेंचुरी की केव्स हैं, फर्स्ट सेंचुरी एडी की, और ये हिनायाना पीरियड से बिलोंग करती हैं। लेटर, लेकिन बाद में इन जो ये टोटल 24 केव हैं, बाद में देखा गया कि इनमें महायाना सेक्ट का भी इन्फ्लुएंस देखा गया इन केव्स में। अब हिनायाना केव्स का इन्फ्लुएंस कैसे पता चलता है? जब उसमें बहुत सारा डेकोरेशन आ जाता है, बोधिसत्वास की इमेज वगैरह आ जाती हैं, तो उसको महायाना का इन्फ्लुएंस मानते हैं। हिनायाना सेक्ट के अंडर में हिज प्रेजेंस इज इंडिकेटेड थ्रू द यूज ऑफ मोटिव्स एंड सिंबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जब हिनायाना सेक्ट के फॉलोअर होते हैं वो बुद्धा जी को सिंबल या मोटिव की मदद से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे खाली थ्रोन या फुटप्रिंट्स की मदद से। बट महायाना के पीरियड में उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि महायाना बुद्धिज्म का भी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ऐसे बाद में ऐसा लगा है कि इन केव्स में लेटर एडिशन किया गया है। ये जो साइट है रिप्रेजेंटिंग द इन्फ्लुएंस, सॉरी द साइट आल्सो डिपिक्ट एन एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो टैंक्स वगैरह बने हुए हैं। अब जो आखिरी एक और केव आ रही है वो है मंडपेश्वर केव्स। मंडपेश्वर केव आपकी मुंबई में है। कहां पे है? मुंबई में। और यहां पे देखो ये हमने हिंदू भगवान की फोटो लगा रखी है, तो यानी ये जो मंडपेश्वर केव्स है वो हिंदू केव्स हैं। पहली बात तो याद रखना, ब्राह्मणिकल केव्स हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है, मुंबई में है ये याद रखना। इनको हम लोग मोंते पेरीर केव भी कहते हैं, मोंत पेरीर केव भी कहते हैं। ये लेट गुप्ता पीरियड में डेवलप की गई, और जैसा कि बताया था लेट गुप्ता जो रूलर्स थे वो क्या थे? हिंदू रूलर्स हुआ करते थे। बाद में जाके इन केव्स को क्रिश्चियन केव में चेंज कर दिया गया है। यहां पे अगर हम बात करें तो कुछ मूर्तियां मिलती हैं नटराज की, सदाशिव की और अर्धनारीश्वर की। ठीक है, तो ये है मंडपेश्वर केव जो मुंबई में है। अब बात करते हैं उदयगिरी केव्स। तो पहली बात तो इससे पहले मैंने जब आपको मैं वो क्या कहते हैं मॉडर्न पीरियड पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पे उदयगिरी खंडगिरी केव्स के बारे में बताया था जो कि उड़ीसा में है। तो पहली बात तो इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पे जो उदयगिरी केव्स बता रहा हूं ये है आपकी विदिशा डिस्ट्रिक्ट में एमपी के। ठीक है, ये 5th century AD की केव्स हैं जो कि चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे बनाई गई थी। चंद्रगुप्ता 2 ने पेट्रोनेज यानी सहायता दी थी, पैसा दिया था बनाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस स्कल्पचर जिसके लिए उदयगिरी केव्स फेमस है वो है अपनी 12 और बोर इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। आपको पता है विष्णु जी के टोटल 9-10 अवतार हैं, जिसमें से एक जो बोर यानी जो वो सुअर का अवतार जो जिसको बोलते हैं बोर इनकार्नेशन के लिए जाना जाता है। केव हैज वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्कल्पचर। उसके अलावा यहाँ पे शिव भगवान है, नरसिम्हा है, नारायण की भी स्कल्पचर्स या मूर्ति देखी जाती हैं उदयगिरी केव्स में। तो ये था पूरा केव आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड के टाइम का। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे दो वो देखे गए थे, क्लाइमेक्स देखे गए थे। एक था आर्किटेक्चर की फील्ड में केव्स का और दूसरा था आपका टेम्पल का। सिमिलरली दूसरी जो फील्ड थी वो स्कल्पचर, तो उसमें आपके सारनाथ स्कूल का क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं उदयगिरी केव्स के बाद। अब स्तूपास की बात करते हैं, तो गुप्ता एज में एक तरीके से स्तूपा का डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन यानी अब कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड थे उनमें कोई डेकोरेशन नहीं, लेकिन फिर भी जो धामिक स्तूपा है, धामिक स्तूपा कहाँ पे? सारनाथ में है, जो कि वाराणसी में है, जो एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इस टाइम के स्तूपा का। ये है धामिक स्तूपा, है देख लो ये धामिक स्तूपा किसने बनवाया? गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनाया है। अब स्कल्पचर पे आ जाते हैं, तो स्कल्पचर में हम ऑलरेडी 3 स्कूल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन गुप्ता पीरियड में एक और स्कूल ऐड होता है जिसका नाम है सारनाथ। सारनाथ स्कूल में जो पत्थर इस्तेमाल होता है वो क्रीम कलर का होता है, जैसे गांधार में होता है ग्रे कलर का पत्थर सैंडस्टोन, मथुरा स्कूल में होता था रेड कलर का सैंडस्टोन,
और अगर हम बात करते हैं तीसरा वाला जो था आपका दैट इज अमरावती स्कूल, उसमें वाइट मार्बल का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन सारनाथ स्कूल में इस्तेमाल हो रहा है क्रीम कलर के पत्थर का। उसके अलावा मेटल का भी इस्तेमाल करते थे ये लोग, ठीक है। यहाँ पे इस स्कूल में जो ड्रेस होती थी वो बहुत ज़्यादा इमेकुलेटिवली, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजनेस के साथ ड्रेस किया जाता था, और नेकेडनेस नहीं है। यहाँ पे जो हेलो भी है, जो मतलब जिसको ऑरा बोलते हैं, भगवान के पीछे जो हेलो आता है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेटेड है। इसका एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है सुल्तानगंज का बुद्धा। सुल्तानगंज बुद्धा जो है वो इसी वाले टाइम का है, ठीक है। सिमिलरली जैसे वो बामियान में जो बामियान अफगानिस्तान में जो बुद्धा है वो गांधार स्कूल का है, गांधार स्कूल, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स दी हुई हैं। अशोका की एडिक्ट्स हैं, ओके। और क्या दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति, मेहरुली इंस्क्रिप्शन, कालसी इंस्क्रिप्शन, मस्की इंस्क्रिप्शन। अच्छा ओके, एक बार जल्दी से नजर मान लेते हैं क्या चीज है वैसे तो, और है भी इंपॉर्टेंट भी एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ एंशियंट इंस्क्रिप्शन, मतलब जो मैंने बताया था ना लिखने का तरीका, और एडिक्ट्स उनके बारे में है। तो जैसे सुहागोरा कॉपर प्लेट जो है ये मौर्यन पीरियड का है, और इसमें फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो है वन ऑफ द वेरी फ्यू प्री अशोकन ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, सुहागोरा कॉपर प्लेट, ठीक है। उसके अलावा अशोका की एडिक्ट्स हैं, अशोका की एडिक्ट्स में टोटल 33 इंस्क्रिप्शन का एक कलेक्शन है, ऑन दी पिलर्स ऑफ अशोका एज वेल एज बाउल्डर्स एंड केव वॉल्स बाय दी अशोका एम्परर। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो डिस्पर्स है पूरी कंट्री में एंड रिप्रेजेंट दी फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ बुद्धिज्म। ये जो एडिक्ट्स हैं वो बताती हैं कि अशोका का क्या व्यू था धर्म को लेके, टू सॉल्व दी सीवियर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। एडिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू पिलर एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स और मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना और याद कर लेना, ठीक है, एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है। आई एम नॉट गोइंग इन टू दिस डिटेल। यहाँ पे लोकेशन दी हुई है, जैसे कलसी इंस्क्रिप्शन जो मिली वो कहाँ पे है, लौरिया नंदनगढ़ ये रहा, लुम्बनी, लौरिया राज, फिर रामपुरबा। रामपुरबा में एक बुल कैपिटल मिला है, आपको याद रखना होगा रामपुरबा में क्या है, बुल कैपिटल मिला है जो कि अशोका के द्वारा ही बनवाया गया था। उसके अलावा धौली में एक एलिफेंट का कैपिटल मिला है, ये भी अशोका के ही टाइम पे मिला है। तो ये सारी चीज़ों को प्लीज़ आप एक पढ़ लेना कि कहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट हैं, कहाँ पे पिलर एडिक्ट हैं और कहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट हैं, प्लीज़, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू इट, मैप भी मैंने लगा दिया है सो दैट आप पढ़ सकें। कलिंगा आहोल हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, अगर आपको कहीं पे डाउट आए तो आप प्लीज़ आप मुझसे ये पूछ लेना, मैं इसको नेक्स्ट कभी लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। अब हम बात करते हैं टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में। टेंपल आर्किटेक्चर का जो निर्माण शुरू होता है वो एक तरीके से गुप्ता पीरियड से ही शुरू होता है, और सबसे पहले जो आज के टेंपल होते हैं वैसे टेंपल नहीं हुआ करते थे। सबसे पहले बस एक स्क्वायर सेंक्टम, यानी जो मेन मंदिर है वो एक स्क्वायर टाइप का होता था, पिलर्ड पोर्टिको, एक मतलब पिलर टाइप के पिलर समझ लीजिए, आगे वो पोर्टिको होती है थे, ठीक है। इस टाइप का कुछ मंदिर हुआ करता था, ये ऐसे स्क्वायर है ये, ठीक है, ये स्क्वायर है, इस टाइप का ये मंदिर हुआ करता था सिंपल सा, जो इनकी छत भी हुआ करती थी। देयर वॉज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, पहले सबसे पहले जो छत होती थी वो फ्लैट रूफ हुआ करती थी, ठीक है। मोनोलिथिक टेम्पल्स इन द इनिशियल स्टेज टू दी स्कल्पचर शिखर इन दी लेटर ईयर्स, द प्रोग्रेशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन 5 स्टेजेस। तो जो ये लिखा है वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट है वो होता है गुप्ता पीरियड से स्टार्ट, सबसे पहले सिंपल से होते थे और फिर बाद में बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। अगर हम उस डेवलपमेंट फेज का पूरा डिवीजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो टोटल 5 स्टेजेस निकल के आती हैं। एक एक करके हर स्टेज की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली स्टेज आती है द फ्लैट रूफ, स्क्वायर होता है और शैलो पिलर्स होते हैं, लो प्लेटफॉर्म होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो टेम्पल नंबर 17 है सांची में, ये देखो आप फ्लैट रूफ, ठीक है, थोड़ा सा लो जो प्लेटफॉर्म है लेकिन लो प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आपको शैलो पिलर्स, ये पिलर देख रहे हो कितने छोटे से पिलर हैं, और स्क्वायर कलर स्क्वायर है और फ्लैट रूफ है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में आते हैं तो जो पुराने वाले फेस के फीचर हैं वो तो कंटिन्यू करते ही करते हैं, उसके साथ साथ और क्या चीज हो जाती है, प्लेटफॉर्म जो था उसको थोड़ा सा हाई कर दिया है,
जो कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया है टेम्पल को टू स्टोरी का कर दिया है, और इम्पोर्टेंट एडिशन ये था कि कबर्ड एम्बुलेटरी पैसेज। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे देखो ये जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा रेस्ट कर दिया है, और ये यहाँ पे इसके चारों तरफ एक एम्बुलेटरी पैसेज या प्रदक्षिणा पथ यानी जिसके चक्कर आप लगाते हो वो बना दिया है। बेस्ट एग्जाम्पल है पार्वती टेम्पल एट नचन कुथारा इन मध्य प्रदेश। ठीक है, पार्वती टेम्पल नचन कुथारा इन मध्य प्रदेश। थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो थर्ड स्टेज में आता है निकल के शिखर, वो दिखा देता हूँ। इस चीज को बोलते हैं शिखर, ये देख रहे हो, ये है शिखर आपका जो ऊपर बना रहता है। तो थर्ड स्टेज है, यहाँ पे शिखर का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब अब रूफ नहीं है, पहले छत हुआ करती थी, अब रूफ नहीं है, अब ये इस टाइप का शिखर बना दिया है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज मानी जाती है। बट स्टिल जो जो शिखर थे वो अभी भी स्क्वायर थे और बहुत छोटे छोटे थे, कर्वी लीनियर आप उनको कह सकते हो। पंचतन स्टाइल का जो टेम्पल बनना का स्टाइल होता था, पंचतन स्टाइल क्या होती है कि बीच में एक मेन श्राइन है और चारों तरफ और चार श्राइन है, तो इस टाइप का प्लान होता था, इसको बोलते थे पंचतन स्टाइल। तो ये इंट्रोड्यूस होता है थर्ड स्टेज से, यही जाके स्टाइल बाद में जाके नगरा स्टाइल का फॉर्म लेगा। टेम्पल आर्किटेक्चर में हम तीन स्कूल देखते हैं, एक नगरा, एक द्रव्यदेन और तीसरा होता है आपका वो आपका वेसारा स्टाइल। ठीक है, तो पंचतन स्टाइल में क्या होता है कि चार सब्सिडरी श्राइन्स होती हैं, ये मैंने आपको बता दी, और एक बीच में प्रिंसिपल डाइटी का एक मेन श्राइन होता था, श्राइन यानी मंदिर कह लीजिए। मेन टेम्पल जो है वो स्क्वायर होता था, एलोंगेटेड मंडप होता था। मंडप बता देता हूँ क्या चीज होती है, तो मंडप जहां पे लोग खड़े होते हैं, जैसे अंदर आरती चल रही है और जहां पे आगे खड़े होंगे लोग उसको मंडप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप हो जाता था, और द सब्सिडरी श्राइन्स आर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द मंडप। जैसे अगर मान लीजिए ये मेन मंदिर है और ये मंडप है, तो रेक्टेंगुलर शेप हो गया। अब एक श्राइन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक उस तरफ, चार श्राइन हो जाएंगी। क्रूसीफाइड शेप का ग्राउंड प्लान होता था। ठीक है, उसके अलावा इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो दशवतार टेम्पल देवगढ़ में और दुर्गा टेम्पल अहोल कर्नाटक में। दशवतार टेम्पल कहाँ पे? देवगढ़ यूपी, और दुर्गा टेम्पल अहोल कर्नाटक। अब आते हैं फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे फीचर सेम है, बस एक एक ही फर्क था कि जो मेन श्राइन थी वो और ज्यादा रेक्टेंगुलर बनाने लगे थे, सो दैट एकदम एक्सेप्शनली दिखने लगे, जैसे तेल टेम्पल सोलापुर में। फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ था कि जो सेंटर वाला श्राइन है उसको सर्कुलर बनाने लगे थे विथ सैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, रेस्ट सारे वही फीचर हैं। तो यहाँ पे मोर रेक्टेंगुलर और यहाँ पे सर्कुलर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है तेर टेम्पल एट सोलापुर महाराष्ट्र, और यहाँ पे मनियार मठ एट राजगीर, ठीक है, बिहार, मनियार मठ एट राजगीर। अब बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में, तो जो स्टाइल्स हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले नगरा स्टाइल यानी जो हमारे नॉर्थ इंडिया में चलता है, द्रविड़ियन स्टाइल जो साउथ इंडिया में चलता है, फिर नायक स्टाइल आता है, और बेसारा स्टाइल। बेसारा स्टाइल जो है वो है कॉम्बिनेशन, मतलब नगरा के फीचर्स भी हैं उसमें और साउथ इंडियन वाला यानी द्रविड़ियन स्टाइल के भी हैं। होयसाला जो आप होयसाला विजयनगर और अच्छा, और बेसारा स्टाइल वाला आपका चलता था ये कर्नाटका वाले रीजन में, विजयनगर वाला विजयनगर एम्पायर के टाइम का है। पाला और सेना ये उड़ीसा में चलता था, उड़ीसा होयसालेश्वर, ये होयसाला वाला अभी एरिया याद नहीं आ रहा मुझे, और नायक स्टाइल। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पांचों सॉरी टोटल सात स्टाइल हो गए, एक एक करके देखते हैं। द बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल कंप्राइज ऑफ, यहाँ पे इन जनरल हिंदू टेम्पल में क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में बताया, जैसे कि हमने स्तूपास में फीचर्स देखे थे ना कि तोराना होता है, वेदिका होता है, मेदी होती है, अंडा होता है, ठीक है ना, हर्मिका होता है। तो जैसे स्तूपास में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं ऐसे ही इसमें होते हैं, जैसे सेंक्टोरम जिसको गर्भगृह के नाम से जानते हैं, एक छोटा सा रूम होता है जहां पे मुख्य भगवान जो प्रिंसिपल डाइटी होते हैं उनको रखा जाता है। दूसरा होता है मंडप, जैसे आप भगवान मंदिर में जाते हो तो जो स्टार्टिंग का एंट्रेंस होता है जहां पे लोग वहां खड़े होते हैं पूजा पाठ पूजा को देखते हैं उसको मंडप बोलते हैं। शिखर होता है जो माउंटेन लाइक का ऊपर का जो बना हुआ रहता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसे शिखर बोलेंगे। वाहन किसको बोलते हैं? इट इज अ माउंट और व्हीकल ऑफ द मेन डाइटी, वॉज प्लेस जस्ट बिफोर दी सेंटम सेंक्टोरम। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसमें कि अगर ये आपका मंदिर है तो इसके आगे कुछ ऐसे रथ वगैरह टाइप का बना देते हैं, तो इसको वाहन बोलते हैं। ठीक है,
However, under the patronage of local rulers, different style emerge होती जाती हैं. सबसे पहले नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं. तो जो नगरा स्कूल है, यह मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, ठीक है, और ये वहीं पे ही प्रिवेलेंट है. फिफ्थ सेंचुरी एडी से स्टार्ट होता है. एक तो टाइम याद रख लो, नॉर्थर्न पार्ट याद रख लो, इसे नगरा स्टाइल बोलते हैं. अब नगरा स्टाइल के अंदर भी बहुत सारे स्कूल्स हैं. जैसे अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो नगरा स्टाइल के नीचे और कौन कौन से स्कूल आ जाते हैं, जैसे कि एक है आपका खजुराहो स्कूल, ये एक अपने आप में डिस्टिंक्ट है. फिर एक हो जाता है आपका सोलंकी स्कूल, और ऐसे ही एक और है. तीन टाइप के स्टाइल्स आ जाते हैं नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर. एक जो उड़ीसा वगैरह तरफ चलता है, एक वो वाला भी फीचर है ना, उसको क्या बोलते हैं, नाम क्लिक नहीं कर रहा है. ठीक है, तो नगरा स्टाइल के फीचर पंचतैन स्टाइल, यानी एक मेन श्राइन और चार सब्सिडरी श्राइन. तो क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान हो जाता है. असेंबली हॉल या मंडप हुआ करते थे, ठीक है. गर्भगृह हुआ करता था, यानी जो गर्भगृह है उसके बाहर ना कुछ मूर्तियां लगाते थे, जैसे गंगा यमुना की मूर्ति लगा दी, तो वो एक फीचर है, ठीक है. उसके अलावा कोई वाटर टैंक नहीं होता है. द्रविदियन स्टाइल में वाटर टैंक होता है. ऐसे ही द्रविदियन स्टाइल में अगर मैं बताऊं, जो गर्भगृह है उसके बाहर होता है आपका ये गॉड गॉडेस या गंगा यमुना के अलावा की जगह वहां पे होने लगते हैं द्वारपाल, ठीक है. तो ऐसे आप कंपेयर करके याद करते जाएंगे तो आसान रहेगा. बाकी जो टेम्पल होते हैं वो अपरेस्ट प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं. प्लड अप्रोच होती है. शिखर्स जो है वो तीन टाइप का होता है, रेखा प्रसाद, फिर है फमसाना, और तीसरा है बल्लभी, ठीक है. तो लैटिना या फिर रेखा प्रसाद वाला जो शिखर मैंने आपको बताया, जो ऊपर का माउंट बनाते हैं उसको शिखर बोलते हैं, ठीक है. तो जो माउंट होता है वो तीन टाइप का हो सकता है. रेखा प्रसाद, देवर स्क्वायर एट दी बेस एंड दी वॉल्स कर्व इनवर्ड एट टू अ पॉइंट ऑन दी टॉप. फमसाना वाला जो है यहाँ पे ब्रॉडर बेस होता है एंड वर्स शॉर्टर इन हाइट देन दी लैटिना वंस. दे स्लोप अपवर्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन. बल्लभी वाले में रेक्टेंगुलर बेस होता है विथ अ रूफ रेस इन अ वॉल्टेड चेम्बर्स, ठीक है. फिर अब अगर मान लीजिए मैं आपको शिखर बताता हूं, जैसे मान लो ये मंदिर का एक शिखर है, ठीक है. यहां पे ये आपका मंदिर था, गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर शिखर है. शिखर के ऊपर एंडेड इन अ हॉरिजॉन्टल एक डिस्क रहती है, जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है, इसको बोलते हैं अमलक. और अमलक के ऊपर एक होता है आपका स्फेरिकल शेप का एक कुछ सामान रखा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलश. ये कलश हो गया, ये शिखर हो गया, ठीक है. जो बल्लभी वाला स्टाइल का हमने शिखर की बात की थी, उसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर. जबकि अगर हम फमसा वाले की बात करें तो जो उसका बेस होता है वो थोड़ा ब्रॉड टाइप का बेस होता है. और अगर जो लैटिना वाला है उसमें उसका बेस जनरल स्क्वायर टाइप का शेप का आपका होता है. इनसाइड द टेम्पल जो वॉल है वो तीन वर्टिकल प्लेन्स में डिवाइड होती है, जिसको हम लोग रथ बोलते हैं. त्रिरथ टेम्पल, पांच रथ, सात रथ और नवरत्न टेम्पल्स देखे जाते हैं. ये जो वर्टिकल प्लेन्स हैं इनमें क्या किया जाता है, कुछ स्कल्पचर, कुछ मूर्ति वगैरह बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग. जैसे मान लो ये आपका गर्भगृह है बहुत बड़ा, ठीक है. अब इसकी जो बॉल्स होंगी ना उसकी डिजाइनिंग ऐसी करते हैं वो लोग, आपने देखी होंगी. तो जैसे यहाँ पे एक मूर्ति रख दी, यहाँ एक मूर्ति रख दी, स्कल्पचर, यहाँ पे एक स्कल्पचर, स्कल्पचर, और यहाँ पे बीच में आपके मेन भगवान है. तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने ये छह और एक और बना देता हूँ, तो इस तरीके के ये सेवन रथ वाला मंदिर हो जाएगा, ठीक है. तो इस टाइप से ये होता है. एम्बुलेटरी पैसेजेस होते हैं, प्रदक्षिणा पाथ, ठीक है, नगरा स्टाइल में. और द टेम्पल आर्किटेक्चर डिड नॉट हैव एलोबरेट बाउंड्री वॉल्स. जबकि अगर आप देखोगे बाकी द्रविदियन वगैरह स्टाइल में, वहां पे बाउंड्री गेट्स या गेट वेस होते हैं, जिसको हम लोग द्रविदियन स्टाइल में देखेंगे गोपुराम बोला जाता है. क्या बोला जाएगा? गोपुराम, ठीक है. तो ये सारे फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया. एम्बुलेटरी पैसेज वे, यानी जहां पे आप लोग चक्कर लगाते हो, परिक्रमा लगाते हो. अपरेज प्लेटफॉर्म है, ठीक है. सेंक्टम सेंक्टोरम है, मतलब जहां पे मेन मूर्ति रखी जाती है. पिलर्ड अप्रोच है, ये देख रहे हो पिलर बनाया हुआ है, पोर्टिको पिलर. ये शिखर है आपका, शिखर के ऊपर अमलक, अमलक के ऊपर कलश, ठीक है. यहां पे लोग खड़े होंगे तो ये हो गया आपका मंडप. तो ये देखो त्रिरत्न वाला मंदिर है, ये पांच रत्न वाला मंदिर है, और ये आपका सप्तरथ है. तो देखो आप यहां से अंदर आए, यहां पे आपके मेन भगवान रखे हुए हैं, और ये वॉल का डिवीजन देखो किस तरीके से किया हुआ है. एक दो तीन इस तरफ से है, वन टू थ्री, इधर देखो वन टू थ्री, और ये वन टू थ्री त्रिरत्न मंदिर है.
यहाँ पे देखोगे फाइव रत्न मंदिर, मैं यही बता रहा हूँ कि उसमें जैसे पांच वो काट दोगे तो वो फाइव रत्न हो जाएगा, अदरवाइज सेवन और नाइन रत्न। ठीक है, क्लियर है। अब नगरा के अंदर जो मैंने बताया नगरा स्टाइल है, उसके अंदर तीन स्कूल आते हैं, जो तीसरा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, दैट इज उड़ीसा स्कूल। ठीक है, ये कलिंगा एम्पायर के टाइम पे डेवलप हुआ था। अब इसमें जो मेन फीचर्स हैं बस वो डायरेक्टली याद कर लो, एक्सटीरियर वॉल्स लेविशली डेकोरेटेड होती हैं जबकि इंटीरियर वॉल्स प्लेन होती हैं, यहाँ पे पिलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब सारे वही फीचर होंगे जो नगरा स्टाइल में थे, लेकिन कुछ ना कुछ बस बदल जाएगा। तो पहली चीज क्या है, एक्सटीरियर वॉल बहुत अच्छे से पेंट करते हैं, इंटीरियर पे कोई पेंट नहीं, पिलर का इस्तेमाल नहीं करते थे। यहाँ पे शिखर को बोलने लगते हैं रेखा देउल्स, क्या बोलते हैं रेखा देउल्स, दे वर ऑलमोस्ट वर्टिकल रूफ्स विथ सडनली कर्व्ड इनवर्ड शार्पली। मंडप को बोलते हैं यहाँ पे जगमोहन, जहाँ पे असेंबली हॉल है ना जिसको मंडप बोलते हैं उसको जगमोहन बोलने लगते हैं। ग्राउंड प्लान जो होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर शेप का, ठीक है। और टेंपल जो है वहां पे बाउंड्री वॉल्स भी देखने को मिलती है, लेकिन जबकि हम लोग बात करें नगरा स्टाइल में बाउंड्री वॉल्स नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें बाउंड्री वॉल्स हैं, और बाउंड्री वॉल्स स्पेशली द्रविड़ियन स्टाइल में देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया आपके उड़ीसा स्कूल। तो ये देखो इसको ये लोग रेखा देउल बोल रहे हैं, कि वैसे तो ये वर्टिकल वॉल ही है शिखर के नाम पे, और एकदम से ये कन्वर्ज हो गया ऊपर, अमलक है फिर कलश है, और इसको पूरा को हम लोग रेखा देउल बोलते हैं। ये जहां पे असेंबली हॉल है उसको क्या बोल रहे हैं ये लोग, जगमोहन बोल रहे हैं, मंडप नहीं बोलते। एक्सटीरियर वॉल को देख रहे हो आप, बहुत अच्छे से इन लोगों ने बनाया, जबकि अंदर देखोगे बिल्कुल प्लेन होगा, लेविशली डेकोरेटेड होते हैं। ठीक है, बाउंड्री वॉल होती है इनमें, बस ये याद रखना। कुछ एग्जाम्पल की बात करें इस स्कूल के, तो जैसे सन टेम्पल है कोणार्क में, जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, जब भी इसके बारे में ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, और लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में। दीज आर दी बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ उड़ीसा स्कूल ऑफ नगरा स्टाइल। दूसरा है खजुराहो स्कूल, जो कि एमपी में है, ये चंडेला रूलर्स ने बनवाया था। खजुराहो स्कूल या चंडेला स्कूल बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों वॉल को डेकोरेट करते हैं, जबकि वहां पे सिर्फ एक्सटीरियर को डेकोरेट कर रहे थे। यहाँ पे जो स्कल्पचर है वो इरोटिक नेचर के हैं, जिनकी थीम कामा सूत्रा, बादशाहना के द्वारा कामा सूत्रा एक वो लिखा गया है, एक पाठ लिखा गया है, उसमें जो इरोटिक सीन्स है वहां से उससे इरोटिक सीन्स बनाए गए हैं। जो टेम्पल्स हैं वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं, सैंडस्टोन। टेम्पल के अंदर तीन चैम्बर्स हैं, एक है गर्भगृह जहाँ पे मेन मूर्ति रखते हैं, मंडप और एक अर्धमंडप। गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाली जगह को बोलते हैं अर्धमंडप, ठीक है। उसके अलावा कुछ टेंपल्स में, जो यहाँ के खजुराहो के टेंपल्स हैं, वहां पे वेस्टिबुलर एंट्रेंस भी है टू दी गर्भगृह, नोन एज अंतराल, अंतराल। नाउ टेंपल्स आर जनरली नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग के होते हैं, पंचतन स्टाइल का फॉलो किया जाता है। और यहाँ पे जो इनके शिखर्स हैं वो प्रसाद शिखर्स होते हैं, रेखा प्रसाद शिखर, जो कि माउंटेन रेंज जैसा फील देते हैं। इनका प्लेटफॉर्म रिलेटिवली हाई होता है, और ये हिंदू और जैन रिलीजन को बिलोंग करते हैं। याद रखना खजुराहो के मंदिर सिर्फ और सिर्फ हिंदू वाले नहीं है, हिंदू और जैन दोनों से ही रिलेटेड हैं। कुछ एग्जांपल, केंद्रीय महादेव टेंपल, लक्ष्मण टेंपल है खजुराहो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कल्पचर का भी फोटो है और ये मंदिर का फोटो है। देखो यहाँ पे जो ये इमेज बन रही है वो माउंटेन जैसी लग रही है, जो यहाँ का प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये यहाँ पे मंडप है और ये यहाँ पे अर्ध मंडप है। उसके बाद ये मंडप से लेके आपको अगर वहां पे गर्भगृह तक जाना है तो एक अंतराल भी बना हुआ होता है। ये रेखा प्रसाद टाइप का यहाँ पे शिखर है, ठीक है। एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल दोनों ही बहुत लेविशली डेकोरेटेड है, पंचतन स्टाइल का पालन करते हैं ये लोग भी, पंचतन स्टाइल का। तीसरा है सोलंकी स्कूल, जो कि मारू गुर्जर स्टाइल है, जो गुजरात राजस्थान में डेवलप किया गया, गुजरात राजस्थान में। यहाँ पे देखें टेंपल वॉल्स में कोई भी कार्विंग्स नहीं है, ना इंटीरियर ना एक्सटीरियर। गर्भगृह जो है वो मंडप से कनेक्टेड है, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। पोर्टिकोज जो है उनको डेकोरेटेड गेटवेज के साथ कवर किया गया है, जिसको तोरान का नाम दिया गया, ठीक है, तोरान्स आर गेटवेज। यूनिक फीचर क्या है, यहाँ पे स्टेप टैंक होता है, स्टेप टैंक यानी सूर्यकुंड, जो कि नॉर्मली द्रविड़ियन स्टाइल में देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्टेप्स ऑफ द टैंक्स आर फुल ऑफ स्मॉल टेंपल्स, ठीक है। वुडन कार्विंग्स हैं टेंपल्स में, वैरायटी ऑफ मटेरियल से बनाए जाते हैं, सैंडस्टोन, ब्लैक बसाल्ट। ईस्ट फेसिंग होते हैं ये सारे के सारे मंदिर। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो मुधेरा सन टेंपल, जो कि गुजरात में, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स में भी उन्होंने कुछ मूर्तियां या भगवान वगैरह रख रखे हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे सबसे रिमार्केबल फीचर तो यही है कि यहाँ पे पानी का टैंक होता है, यहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं होता, ना इंटीरियर ना एक्सटीरियर, ईस्ट फेसिंग है सारे के सारे। कैसे हैं, ईस्ट फेसिंग है। वैरायटी ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा नगरा स्टाइल था वो समाप्त होता है। अब बात कर लेते हैं साउथ इंडियन आर्ट के बारे में।
साउथ इंडियन आर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जैसे नगरा स्कूल था विद डिफरेंट सब स्कूल, वो नदन पार्ट में हुआ था, तो अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया वाले की तो ये पेनिनसुलर इंडिया में डेवलप हुआ, ठीक है, मतलब साउथ इंडिया में, और ये शुरू होता है आपके पल्लवा रूलर्स के साथ, महेंद्र वर्मन के साथ। अब जैसे कि वहां पे हमने देखा रीजन वाइज बटा हुआ था जो डेवलपमेंट था, यहाँ पे डायनेस्टी वाइज इवोल्यूशन होगा। जैसे पल्लवास के टाइम पे कुछ इवोल्यूशन, फिर आपके आएंगे चोलास, चोलास के टाइम पे कुछ और इवोल्यूशन, तो इस टाइप से यहाँ पे इवोल्यूशन होगा। जबकि अगर हम लोग नगरा स्टाइल की बात करें तो नगरा स्टाइल में आए आपके, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये ईस्ट वाला एरिया, तो यहाँ पे ये उड़ीसा स्कूल हो गया, ये आपका खजुराहो स्कूल हो गया, और ये मारू गुर्जर वाला हो गया, सोलंकी स्टाइल हो गया। तो यहाँ पे रीजन पैरेलल थे, लेकिन अब क्या है रीजन एक ही है, तो पहले यहाँ पे पल्लवास आ गए, फिर पल्लवास के ऊपर आप बना दो तो फिर आ गए आपके चोलास, तो इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। पल्लवास में भी चार स्टेजेस थी, समय के हिसाब से चार स्टेज आई। सबसे पहले राजा आते हैं महेंद्र ग्रुप, महेंद्र ग्रुप के टाइम पे जो टेम्पल्स थे वो महेंद्र वर्मन ने बनवाए थे, और ये रॉक कट टेम्पल्स थे, ठीक है, रॉक कट टेम्पल्स। इनके टाइम पे मंडप्स हुआ करते थे, ये वाला जो मंडप है वो जो नगरा स्टाइल में मंडप मिला था जिसको असेंबली हॉल बोलते हैं, इसे आप उसके साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो मंडप है वो पूरा का पूरा मंदिर ही कहलाता है। जैसे यहाँ पे मंडप का मतलब क्या है, जैसे ये एक हॉल टाइप का है, उसमें चार पिलर बना दिए आपने और उसके ऊपर एक बस रूफ रख दी, तो बस इस टाइप का इसी को मंदिर बोलते थे, ठीक है। दूसरा आता है नरसिम्हा ग्रुप, नरसिम्हा ग्रुप के टाइम पे क्या हुआ, थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू होता है, सेकंड स्टेज कह सकते हो आप इसे डेवलपमेंट की। यहाँ पे रॉक कट जो टेम्पल्स थे अब उन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कल्पचर बनाने लगे, मंडप को डिवाइड करके सेपरेट रथ्स बनाने लगे। बिगेस्ट वन अगर बात करें तो धर्मराज रथ होता है, और सबसे छोटा वाला द्रौपदी रथ होता है। ये वाला जो टेम्पल है, जो धर्मराज वाला रथ वाला जो पार्ट है, उसी के आर्किटेक्चर को देखते हुए द्रविदियन स्टाइल को डेवलप किया गया है। तीसरा आता है राजसिम्हा ग्रुप, तो जो राजसिम्हा वाला ग्रुप था आपका लेट टू दी थर्ड स्टेज ऑफ द टेम्पल डेवलपमेंट, और फोर्थ है आपका नंदी वर्मन ग्रुप। ये एक्चुअली लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि ये जो आपका द्रविदियन स्टाइल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें, बेटर वही रहेगा। तो साउथ इंडियन आर्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज़ है काफ़ी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, या आपको कोई क्वेरी हो, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज़्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे straightzero1980@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन दस विदानियां।